अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग है, ब्लॉक्स बन रहे हैं। पाकिस्तान को इन्हें बनने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान फासले कम करना चाहता है। कोल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन जा रहा है और ब्लॉक्स बन रहे हैं। ब्लॉक्स के बनने को रोकने के लिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अमेरिका और चाइना के बीच में ये जो कोल्ड वॉर है, हम अभी भी कोशिश करते हैं कि हम इनके फासले बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोकें। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि डायलॉग से हम अपने मसले हल करें। सारे साउथ एशिया को हॉस्टेज रखा हुआ है, वो है कश्मीर का मसला। पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से हम बातचीत करें। आइडियोलॉजी से हमारा मुकाबला हो रहा है, जो आरएसएस जो हिंदुस्तान में हो रहा है, ये हमारी बदकिस्मती नहीं है और खास तौर पर कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की बड़ी बदकिस्मती। आरएसएस सेंटर्ड ब्राह्मण ये आइडियोलॉजी है, वो कम अज कम 50-60 करोड़ लोगों को एक्सक्लूड कर रही है और ये सस्टेनेबल भी नहीं है। ये आइडियोलॉजी हिंदुस्तान को दुश्मन की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल एनिमीज की। पाकिस्तान अपना पूरा रोल प्ले करेगा और ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान में अमन हो। हमारा तो कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया में और सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इस वक्त उनकी भी उतनी ख्वाहिश है जितनी पाकिस्तान की है कि हमारी कनेक्टिविटी उनसे हो। अफगानिस्तान में अमन की शदीद जरूरत है ये कनेक्टिविटी के लिए। सीपैक हमारे लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठा रहे हैं।